दर्शकों नमस्कार। डायबिटीज की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार के पास इसके बहुत सारे आंकड़े हैं। आज हम जानेंगे डायबिटीज आखिर कैसे होता है, क्या यह ठीक हो सकता है या नहीं, यदि हो सकता है तो कितना ठीक हो सकता है और कैसे ठीक हो सकता है। इस सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी शास्त्री जी से प्राप्त करते हैं। नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते जी। डायबिटीज आखिर होता क्या है? डायबिटीज क्या होता है? हमारे शरीर में कुछ चीजों की कमी, कुछ चीजों की अधिकता, हमारे जो प्रॉपर जो ऑर्गन्स होते हैं, अब हमारे अंदर अंग होते हैं, वो अच्छी तरह काम नहीं करते, तो उसमें कुछ चीज घटती है, कुछ चीज बढ़ जाती है, उसी में से एक ये समस्या है डायबिटीज। सबसे पहले डायबिटीज होती क्या है इसके जानने से पहले हम ये जानें कि इसके लक्षण क्या है, ताकि हमें समझ में आ जानी चाहिए। तो हमारे शरीर में क्या इसके सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे इसके बारे में बताएं कि पैर सुन्न हो जाना, सर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, थकान ज़्यादा होना और पेट भी खराब हो जाता है इसे। और ये क्यों हो जाता है इसके भी बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसके कारण है जो ये समस्याएं आती हैं, तो उसका कोई ना कोई लिंक जुड़ा है किसी से, इसके लिए ये समस्याएं आती हैं। तो इस बारे में मैं बात करने से पहले इसका मैं थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। बेसिक इसका है कि आखिर ये बेसिक क्या है डायबिटीज। हमारे शरीर में सबसे पहले याद रखने की बात ये है कि हमारे शरीर में 70 लाख कोशिकाएं हैं, और उन कोशिकाओं को पोषित रखने के लिए हम अन्न खाते हैं, ठीक है, अन्न खाते हैं, फल खाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए। उन अन्न में आपने देखा होगा कि ये तो 8वीं क्लास से बताया जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है ना जी। तो ये सारी चीजें प्रोटीन, पोषक तत्व और कार्बोहाइड्रेट वगैरह बताए जाते हैं जी। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व वो होता है कि ये सारे हमारे 70 लाख जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, जिनको हम सेल्स भी कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं, ये 70 लाख सेल्स को पोषित करने का, मतलब उनको हेल्दी रखने का काम करती है पोषक तत्व, ठीक है। अब इनमें होता क्या है? प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है और विटामिन होते हैं। इन तीन को मिलकर के पोषक तत्व बनते हैं और ये सेल को मजबूती देते हैं, पोषण करते हैं सेल का। अब इसके बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट। सुना होगा कि इस चीज में इतना कार्बोहाइड्रेट है, इस चीज में इतना कार्बोहाइड्रेट है। इन ये बातें आपने सुनी होगी। तो इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सबसे पहले अब यहीं से शुगर जो होती है उसके बारे में अब यहाँ से प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट तीन चीजों से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीन चीजों से कार्बोहाइड्रेट बनता है, और यही जब हम भोजन करते हैं तो यही जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे खून में घुल जाता है, ठीक है। मैंने भोजन किया, खून में घुल जाता है, तो वो घुल करके हमारे सेल्स तक पहुंचता है। इसका सिस्टम क्या है अब इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो एक हमारे लीवर के नीचे एक अंग होता है, ऑर्गन होता है, जिसको कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में होता है एक बीटा सेल। इन दोनों का काम क्या होता है? बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन को बनाना, ठीक है, और पैनक्रियाज का काम होता है, पैनक्रियाज अग्नाशय इसको हिंदी में बोलते हैं, पैनक्रियाज का काम होता है कि वो जो बीटा सेल ने इंसुलिन बनाई है उसको सारे सेल्स तक पहुंचाना। अब इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन का कार्य होता है कि ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो आया हमारे शरीर में
उसी को वही जो सुगर बना है वो चीनी वाला सुगर नहीं होता है, ये दूसरा सुगर होता है, ठीक है। वो चीनी जैसे कि डॉक्टर लोग जोड़ देते चीनी से, ये चीनी नहीं होता। जैसे कि डॉक्टर लोग कह देते कि मीठे फल मत खाओ, क्यों साहब सुगर है, नहीं इसका कोई मतलब नहीं। वो सुगर अलग होती है, वो गेहूं में भी होती है, फल में भी होती है, सब में अलग अलग होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, ठीक है। ये होता घी में सबसे ज्यादा होती है, थोड़ा सा घी ले लो और बहुत अच्छा है, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो वो जो सुगर होती है वो तुरंत हमारे खून में घुल जाती है, ठीक है। और वो जो सुगर हमारे खून में घुल गई, पैनक्रियाज ने क्या किया कि इंसुलिन को धक्का दे दिया, और इंसुलिन ने क्या किया उस सुगर को ले लिया, लेने के बाद सेल्स तक पहुंचाया, और बीटा सेल ने नई इंसुलिन बना दी, इतना काम हो गया। अब इसके बाद ऊर्जा इससे कैसे बनती है इसके बारे में जानेंगे। हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे सांस के माध्यम से जाते ही तुरंत खून में घुल जाती है, और वो खून में घुली हुई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के माध्यम से प्रत्येक सेल में पहुंचती है, ठीक है। अब ये सांस के माध्यम से जो ऑक्सीजन गई, ठीक है, वो ऑक्सीजन प्लस मैंने जो सुगर लिया, सुगर में बताया तीन चीजें हैं, एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जब दोनों इसमें से जब ये टूटता है तब इसकी ऑक्सीजन सुगर की और उस सांस के द्वारा ली हुई ऑक्सीजन दोनों मिलकर के वही हमें ऊर्जा देते हैं, वही ऊर्जा बनाते हैं। इसीलिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपने वेदों में शास्त्रों में देख लो, राजा महाराजाओं ने हवन किया, हवन से मालूम है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन क्रिएट होती है, ठीक है। राजा महाराजाओं ने हवन किया, ऋषि मुनियों ने हवन किया, पेड़ पौधों में पीपल को पूजते हैं इसलिए क्योंकि ये निरंतर 24 घंटे ऑक्सीजन देता, ऐसे पेड़ों की पूजा इसीलिए की जाती क्योंकि सबसे ज्यादा हम इंसान हैं, जानवर को भी यही है, सबसे ज्यादा सृष्टि को बचाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस ऑक्सीजन को बनाया भी जाता है वो है घी के द्वारा हवन करके। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 10 ग्राम जिस समय हम घी जलाते हैं तो इसमें 1600 किलो कितनी 1600 किलो ऑक्सीजन तैयार होती है मात्र 10 ग्राम। 10 ग्राम कितना होता है, थोड़ा होता है, इसीलिए ऋषियों ने हवन किया। अपना वेदों में बहुत बड़ा विज्ञान है। तो वो जो चारों तरफ से जब हमारा शरीर ही ऑक्सीजन से चल रहा, व्यायाम करने वाले, अनुलोम विलोम करने वाले बहुत जल्दी स्वस्थ क्यों हो जाते, क्योंकि अनुलोम विलोम में सबसे ज्यादा सांस ली जाती है, सांस के माध्यम से ऑक्सीजन जाती है, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्वस्थ होते हैं। उनको कुछ नहीं होता, ना कैंसर हो, ना डायबिटीज हो, कुछ ना हार्ट अटैक आए, क्यों, क्योंकि उनको इतनी ऑक्सीजन ऑलरेडी मिलती रहती है कि उनके प्रत्येक सेल बहुत अच्छी तरह मजबूती से काम करते हैं। अब ये जो होता है इस प्रकार से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का सेल्स तक पहुंचने का ये सिस्टम होता है, इतना तो समझ में आया। अब इसके बाद क्या है, आखिर अब सुगर बढ़ती कैसे है, ठीक है। जब हमारे शरीर में ब्लड का आया हुआ वो कार्बोहाइड्रेट वही सुगर हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचेगी, मान लीजिए आपको किसी ने कोई वस्तु दी और कहा कि तुम पड़ोसी को दे देना, दूसरे ने दी उस वो कहा कि उस पड़ोसी को दे देना, आपसे कहा, अब आपने दिया नहीं तो वो सारी चीज कहाँ आ गई आपके पास। तो जब हमारे ब्लड में जो आई हुई बनी हुई हमारे भोजन की सुगर है वो सेल्स तक नहीं जाएगी तो ब्लड के पास ही रह जाएगी, इसीलिए ब्लड के सुगर लेवल बढ़ता है, ठीक है, वो सुगर लेवल बढ़ जाता है इसीलिए। तो अब इसको क्या करें, अब इसमें जब ये बढ़ जाता है और हमारे सेल्स तक वो नहीं जाती है, जब जो ऊर्जा हमारे सेल्स तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं गई, फिर क्या होगा कि
हमारे प्रत्येक ऑर्गन कमजोर हो जाएंगे। मान लीजिए हमें हाथ उठाने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति आएगी भोजन से, भोजन देगा ब्लड के माध्यम से सेल तक, लेकिन वो सेल जो है उसको शक्ति वो ऊर्जा हमारे शरीर तक नहीं आई तो थकान होना एक सामान्य बात हो जाती है। सर में दर्द इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसको ऊर्जा नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वो सारी ब्लड में स्टोर हो रही है। वही शुगर जो होती है वो सेल्स के लिए होती है लेकिन वो हमारी वहां तक नहीं पहुंचती तो फिर वो स्टोर हो जाती तो हमारा सर में भी दर्द होगा। डाइजेशन इसलिए खराब होगा कि जो भी फंक्शन सबसे ज्यादा मेहनत शरीर को पड़ती है भोजन को डाइजेस्ट करने में, और डाइजेस्ट करने में यदि उसको ऊर्जा चाहिए होती है, अगर जो उसको ऊर्जा चाहिए और उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी तो निश्चित है वे डाइजेशन के ऑर्गन काम नहीं करेंगे, तो आपका इंडाइजेशन होना स्वाभाविक है। इसके बाद यही होता है, अब हाथ पैर सुनने इसी प्रकार से हो जाते हैं, है ना, तो ये सारे हमारे सिम्टम्स बिगड़ जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में थकान होने लग जाती है, कमजोरी होती है, इंडाइजेशन होता है, पैर सुन्न हो जाना, सर में दर्द होना, ये कारण है इन सभी चीजों का। ठीक है, अब शुगर होने का कारण क्या है? प्राचीन समय का मतलब ज्यादा नहीं, 25-30 साल 40 साल पहले मान लो, 40 साल पहले मात्र तीन कारण होते थे। एक तो होता था आनुवंशिक, समझते हो नहीं समझते, जन्मजात समझते हो नहीं समझते, पैदाइशी समझते हो ये भी नहीं समझते। पैदाइशी का मतलब ही जन्मजात, आनुवंशिक का मतलब ये होता है जो माँ बाप में भी लक्षण हो और उस बच्चे ने जिसने जन्म लिया हो तो माँ बाप के द्वारा वो लक्षण उस बच्चे में आ जाए, इसको जन्मजात कहते हैं। ठीक है, तो जन्म से जो उत्पन्न होकर के, जन्म जात, जात माने होता है उत्पन्न होना, और जन्म माने जन्म से, जो जन्म से ही उत्पन्न हो, जन्म से उत्पन्न कहां से होगा, माँ बाप से, तो इस प्रकार से है। और एक होता है शारीरिक श्रम कम करना, शारीरिक श्रम कम करने से शुगर लेवल बढ़ेगा। ये कैसे बढ़ेगा, मान लीजिए तुमने मेहनत की, मेहनत करने से हमारे जितने ब्लड में शुगर थी वो सब हमने मेहनत करके इस्तेमाल कर ली तो सारी शुगर खत्म, क्योंकि सेल्स में जाकर के वो इस्तेमाल हो गई। अब तुमने क्या किया कि मेहनत करी नहीं, खाते खूब बढ़िया रहे, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट जा रहा है यूज कम हो रहा है लेकिन स्टोर ज्यादा हो रहा है तो ब्लड में बढ़ जाएगा। ठीक है, और ब्लड में बढ़ेगा वो एक्स्ट्रा दिखाएगा, वो घातक हो जाएगा। दूसरा होता है तनाव, तनाव में भी हमारा शुगर लेवल बढ़ता है। तनाव में क्या होता है इसके बारे में बताना चाहूंगा, दो और बता दें, आजकल दो और जुड़ गए हैं जो कहते हैं प्रदूषण। प्रदूषण क्या है, भोजन कर रहे हो उसमें भी केमिकल की वो आ रही, सब्जी आ रही तो उसमें केमिकल लगा हुआ आ रहा, वायु में है तो डीजल पेट्रोल के कारण सारा केमिकल वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। एक ये कारण सबसे बड़ा बन गया, जो अंदर प्रदूषण जाता है तो निश्चित ही हमारे सिस्टम को खराब करेगा, एक तो ये कारण होता है। दूसरा है कि ये जो जहर बन गया है, जल प्रदूषण हो गया है और एक वायु प्रदूषण है, इससे जो ये जो है जहर बन गया है तो ये जहर से भी हमारे अंदर खराबी आ रही है। अब इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है तो कुछ कुछ टॉक्सिक बनते, टॉक्सिक मतलब समझते हो, जहर होता है, हमारे शरीर में जहर भी बनता है। तो जहर को खत्म करने के लिए एक भगवान ने हमारे अंदर एक हार्मोन बनाया जिसका नाम है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन हार्मोन बनाया है, वो हमारे जितने टॉक्सिक होते हैं उनको निकालता रहता है। लेकिन अब समस्या क्या बन गई है कि अगर जो हमारे शरीर में क्रियाएं होने से 100 ग्राम टॉक्सिक बना, जहर बना, तो 1 किलो आ रहा बाहर से, तो ये सेल हमारा कमजोर पड़ जाता। तो इससे भी एक आया तनाव की बात करें, जिस समय हम तनाव लेते हैं तो हमारे खराब हार्मोन्स दिमाग से रिलीज होते, हमारे सिस्टम को खराब करते और इतना उसी से टॉक्सिक बनते, इतना टॉक्सिक बन जाता कि जब भयंकर तनाव होता है तो वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तुमने देखा होगा वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, बुखार आ जाता है उसे, क्यों, उसके टॉक्सिक इतने हो गए हैं कि वो बुखार आ जाता। तो तनाव से भी ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अब इन सभी को निकालने के लिए हमें कुछ चीजें और ध्यान रखना चाहिए। कम से कम
15 साल की उम्र से जितने आगे के कम से कम 6 घंटे सोए, ताकि 6 घंटे सोकर के वो टॉक्सिक जो हैं वो निकलते रहें। 14 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए अलग नियम है, इसके लिए आयुर्वेद में मैंने वैसे बताया है, आवश्यकता पड़ेगी तो बताएंगे, यदि कोई हमारा दर्शक यदि पूछना चाहेगा तो उसे बता देंगे, वैसे ऑलरेडी इसमें वीडियो पड़ी है। उसमें अलग अलग उम्र का विभाग होता है, 14 साल तक, 14 साल के बाद 45 साल, 45 साल के बाद 60 साल, ये अलग अलग विभाग हैं। तो उस विषय में ना जाते हुए कम से कम 15 साल से ऊपर का यदि बच्चा है तो उसको कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए, और यदि मेहनत कर रहा है तो उसे 8 घंटे सोना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जितनी मेहनत करेगा तो उसके टॉक्सिक वही जहर ज्यादा बनेंगे, उसको निकलने में समय चाहिए। तो ये चीजें होती हैं, तो ये हमारे अंदर। अब इसको इलाज क्या करते हैं, अब जैसे शुगर लेवल बढ़ गया, अब फिर वही बात आ गई एलोपैथिक, तुमने पूछा था कि क्या इसका इलाज हो सकता है, अब इसके बारे में बताएं। एलोपैथिक में इसका इलाज करने का केवल दो होते हैं, इसके केमिकल, दो केमिकल यूज करते हैं जिससे कि इसका इलाज किया जाता है। जितने भी तुम्हें टेबलेट मिलेंगे उसमें मार्केट में सिर्फ दो केमिकल के ही बने होते हैं, एक होता है क्लीमिप्राइड और दूसरा होता है मेटफॉर्मिन, ये दो होते हैं केमिकल। तो इन केमिकल का काम होता है, जैसे क्लीमिप्राइड जो इस्तेमाल करते हैं वो जो बीटा सेल अभी बता रहे थे जो बनाता है वो इंसुलिन को, उससे कहता है कि तुम बीटा सेल ये क्लीमिप्राइड जब खाते हैं टेबलेट्स के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से, तो कहता है कि तुम इंसुलिन ज्यादा निकालो, लेकिन वो कमजोर पड़ चुका है भाई, वो इंसुलिन क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि बीटा सेल हमारा कमजोर हो गया है। क्यों कमजोर हो गया, इन सारी समस्याओं से, या जी ये जहर बन रहे इनसे या प्रदूषण से कमजोर पड़ता, तो इंसुलिन कम बनता है, इंसुलिन कम बनेगा तो फिर उसमें हमारे सेल तक वो शुगर नहीं पहुंचती, कभी कभी इंसुलिन इतनी कम बनती है कि लोग डायबिटीज वाले इंसुलिन का इंजेक्शन लेते ही रहते हैं, और वो इंसुलिन बहुत ज़्यादा घातक होती है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। दूसरा होता है मेटफॉर्मिन, इसका काम होता है कि ये एक तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में होता है, कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, दूसरा जो हमारे ब्लड में जो स्टोर हो गई थी शुगर जो हमारे खाने से मिली थी तो उसको यूरिन के रास्ते निकाल देता है, इसीलिए आपने देखा होगा डायबिटीज वाले व्यक्ति के यूरिन में चीटियां पड़ जाती हैं। क्यों पड़ जाती है, क्योंकि उसमें से वो शुगर जाती है, उसी शुगर की महक से चीटियां आ जाती हैं, चीटियां पड़ जाती हैं, तो ये होता है। तो इसलिए डायबिटीज वाले को उससे इलाज नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उसका बीटा सेल का नंबर घट जाता है, और वो जबरदस्ती करता तो उस पर अधिक लोड पड़ता है, जैसे कि तुम्हारी क्षमता है 20 किलो वेट उठाने की और हम तुम्हें जबरदस्ती 25 किलो ला दें तो तुम्हारी क्या दशा होगी, और हम दिन प्रतिदिन वेट बढ़ाते जाए लेकिन तुम्हारी खुराक कम कर दें फिर क्या होगा, तो जल्दी मरने की नौबत आएगी। यही होता है, हमारे अंदर जो शरीर में वो बीटा सेल है वो कम पड़ता जा रहा है, लेकिन ये जो हम क्लीमिप्राइड ले रहे हैं ये जबरदस्ती कर रहा है कि तुम और बना, तो इससे और कमजोरी आने से हमारे सिस्टम बिगड़ते हैं। अब हम आते हैं आयुर्वेदिक इलाज में, आयुर्वेदिक इलाज में क्या होता है, ये बीटा सेल को पावरफुल बना देता है, शुगर अपने आप खत्म हो जाती है, इसीलिए आयुर्वेद में इतना सरल इलाज है, सरल होने के कारण लोग विश्वास नहीं करते। अंकुरित अनाज ले लो, अंकुरित अनाज में बड़े आसानी से ये बीटा सेल की पावर को बढ़ा देता है, और इससे क्या है विटामिन भी बहुत अच्छी होती है, विटामिन सी जिसमें ज्यादा हो उन चीजों को ज्यादा खाएं, विटामिन ई भी ज्यादा खानी होती, इससे जो है हमारे शरीर में इस बीटा सेल को पावर मिलता है। और मीठे फल भी खाएं, लेकिन सबसे बढ़िया एक फल होता है डायबिटीज वाले के लिए टमाटर, पका हुआ लाल टमाटर, उसमें क्या होता है कि केमिकल होता है जिसको हम क्रोमियम कहते हैं, क्रोमियम केमिकल जो होता है वो इस डायबिटीज की बीमारी वाले लोगों के लिए, पेशेंट के लिए ये सबसे ज़्यादा मददगार होता है। अब इसके बाद डायबिटीज वाले क्या करें कि वो उनकी कुछ सब्जियां चुनिंदा होती वे यदि खाना शुरू करें तो अच्छा रहता है, जैसे कि बैंगन अच्छे खाएं,
खूब खाएं, बहुत अच्छा लाभ करेगा। भिंडी खाएं, बहुत लाभ करेगा। करेला, करेला तो अमृत है, दुनिया जानती है। उसके लिए बताने की जरूरत है। सहजना जानो, सहजना एक पेड़ होता, वो ऐसा होता कि उसको काट दो, सूखने के बाद भूसा जैसा बचता, कुछ नहीं, इतनी काफी बड़ी बड़ी उसमें फलियां लगती हैं और चारों तरफ उसकी लंबी लटकी होती है। मालूम ना तो किसी से पूछ लेना, बता देंगे। और पत्ता गोभी, ये सबसे बढ़िया सब्जी होती है, ये बीटा सेल को मतलब पावरफुल बनाती है। और दूसरा एक चीज और, अब एक बात और बता दे, भोजन करने के ठीक 2 घंटे बाद हमारे कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बदल जाता है, इसीलिए 1.5 घंटे या 2 घंटे पानी पीने को मना करते हैं। जब तक वो कार्बोहाइड्रेट शुगर में ना बदले तब तक के लिए ये आयुर्वेद कहता है कि पानी मत पियो, ताकि वो अच्छी तरह से शुगर में कन्वर्ट हो जाए, इसके बाद पानी पियो। तो ये है, अब क्या है कि एक बार मैंने वीडियो बनाई थी कि 100% 72 घंटे में 100% आपकी शुगर कंट्रोल में आएगी। ये बात मैंने बनाई तो लोगों को समझ में नहीं आई, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो लोगों ने समझाने तो लोग अभद्र किसी ने कमेंट किए, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपने अपने काम है, उनका काम है अभद्र बोलना, हमारा काम है अपना काम करते रहना। तो मैंने बोला उसका जवाब मैं देना आज जरूरी समझ रहा हूँ। उसका जवाब ये है कि जब हम कोई फल, जैसे मैंने उसमें बताया था कि अगर जो हम आधा घंटा पहले फल खा लेते हैं भोजन करने के, वो क्या होता है कि फल में अक्सर फाइबर ज्यादा होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है। जैसे कि 100 ग्राम हम सलाद खाएंगे तो ज्यादा ज्यादा उसमें 10 ग्राम हमें मुश्किल में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लेकिन भोजन के डाइजेशन के लिए तो 12 ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए है। भोजन के उस 100 ग्राम को पचाने के लिए 12 ग्राम चाहिए। तो इसलिए उसमें शुगर उतनी बनती जितनी कंज्यूम हो जाए। दूसरी बात ये है कि मान लो आपने कोई फल ऐसा ज्यादा मान लो उसमें कार्बोहाइड्रेट निकल, जैसे मीठा फल है, केला में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, तो इनसे क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा थी, जो शुगर कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होके हमारे शरीर में आई, तो जो फाइबर होता है तो उसको सोख लेता, तो वे ब्लड में वो शुगर नहीं दिखाई देती है। तो इस प्रकार से। और दूसरी बात क्या है कि भोजन की जो अन्न वगैरह रोटी दाल चावल खाते, इसकी सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट की शुगर में बदल जाएगा। लेकिन आप अनुभव हमेशा करना, अगर जो तुम्हें ज्यादा भूख लगी हो और तुम फल खा लो तो उसमें धीरे धीरे तुम्हारी भूख खत्म होगी, और रोटी खाओ तो एक रोटी खाते चले जाओ, 5 मिनट बाद तुम्हारी आत्मा भर जाएगी। फल खाने में ऐसा नहीं होता, पेट भर जाएगा लेकिन भूख नहीं जाएगी, भूख धीरे धीरे जाएगी, थोड़ी देर घंटा डेढ़ घंटे बाद आपकी भूख चली जाएगी। इसका कारण क्या है कि उसकी जो शुगर होती है वो धीरे धीरे रिलीज होती है, और धीरे धीरे रिलीज होगी वो कंज्यूम होती रहेगी, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये बात सच है, और ये बात मैंने नहीं बताई, मैंने एक भोपाल के एक डॉक्टर का उदाहरण, उन्होंने कई को प्रैक्टिकल किया, सही बात और सच बात है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आई तो फिर उन्होंने अभद्र बोले, लेकिन कोई बात नहीं। तो उसका जवाब ये है, तो मैंने बता दिया 5 घंटा सोना है। और ये जो चीजें मैंने बताई हैं, ये अब तो मैं सबसे अच्छी बात ये बताऊं कि इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा साधन क्या है। सबसे अच्छा साधन ये होता है कि आप वॉकिंग जरूर करो, माने मेहनत, शारीरिक मेहनत, फिजिकल वर्क आप जरूर करो। अच्छा, इससे क्या होता है, फिजिकल वर्क करने से क्या होता है कि हमारे शरीर में एक तो ऊर्जा बनी जो जितनी होती है वो कंज्यूम हो जाती है, दूसरी बात हमारे शरीर में इतनी हीट बनती है जिससे कि हमारे हर ऑर्गन पर लोड पड़ता है। जिस चीज को, अब तुम्हें एक उदाहरण दें, हारमोनियम वो तबला बजाने वाले को आपने देखा होगा कि जब शुरू में बैठता है तो वो धीरे धीरे हाथ मारता है, ठीक है, और जब अभ्यास करता है कुछ दिन बाद तो वो जल्दी जल्दी मारने लग जाता है। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये, कोई भी ऑर्गन है उसको जितना अधिक यूज करेंगे उतना ही अधिक वो सक्रिय हो जाता है, माने उतना ही ज्यादा काम करना शुरू कर देता है।
तो कहने का मतलब जो हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो मेहनत करने से हमारा हर अंग हमेशा एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहेगा तो सारी ऊर्जा को जो जैसी जैसी व्यवस्था है उस तक पहुंचाएगा। अब मैंने क्या किया कि रोटी तो बहुत ढंग से खा ली, लेकिन गए ऑफिस में बैठ गए 8 घंटे कुर्सी में। कुर्सी में बैठने के बाद वहां से उठे, सीधे आए, फिर घर में रोटी खा ली, इसके बाद लेट गए। तो खाना खूब खाया, शुगर खूब आई ब्लड में, लेकिन यूज नहीं हुई तो वो भर जाएगी, वो दिक्कत देगी। तो सबसे अच्छा यदि 8 घंटे काम भी करे तो 5-6 बजे के बाद 2 घंटा कम से कम टहलना जरूर जारी रखे। दूसरा, यदि बहुत ज्यादा किसी के शुगर यूनिट बढ़ गया हो उसको मैं बताना चाहूंगा कि भोजन के समय का विशेष ध्यान रखें ताकि भोजन अच्छी तरह डाइजेस्ट हो, क्योंकि उसका डाइजेशन सिस्टम कमजोर होता है। उसके लिए सबसे अच्छा नियम ये होता है कि उस व्यक्ति को सुबह सुबह सूरज निकलने के 2 घंटे के अंदर, मान लो 7 बजे निकले तो 2 घंटे के अंदर 7 बजे तक उसे भोजन, 7 बजे से निकल रहे सूरज तो 9 बजे तक उसे भोजन कर लेना ही है। शाम को सूरज डूबने के कम 45 मिनट पहले उसे भोजन कर लेना ही है, ये जरूर नियम याद रखें। इतना नियम यदि याद रखता है व्यक्ति तो उससे क्या है कि सारा सिस्टम हमारा इंप्रूव होगा, और भोजन करने के, शाम का भोजन करने के बाद वो तुरंत टहलने जरूर जाए। टहलने जाएगा तो उसके कुछ ऊर्जा होगी, क्योंकि शाम को भोजन करने के बाद हमारा बीपी डाउन होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कम से कम 2 घंटे, डायबिटीज वाला तो 2 घंटे निश्चित टहले, और वो यदि टहलेगा तो उसकी शुगर कंट्रोल में आएगी। और इंसुलिन लेना कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, आप फलों से और इन चीज़ों से जो बताया है अभी, और जो उसमें मैंने बताया उस वीडियो में, उसका भी लिंक इसी में डाल दूंगा, उसमें आप आसानी से शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं, शुगर के यूनिट को कम कर सकते हैं। अब इसके बाद यदि कोई और कोई बात हो तो बताओ, मैंने विस्तार से जानकारी आपको देने का प्रयास किया। जी, बहुत अच्छा बात है। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ।